नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज झारखंड के लिए काफ़ी अहम दिन है। एक तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है और इस कैबिनेट की बैठक में एक ऐसे प्रस्ताव पर मोहर लगनी है जिससे झारखंड के करीब 7 लाख युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें बड़ा एक तोहफा मिलेगा कहा जा सकता है। यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड के करीब 7 लाख युवाओं को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। वह तोहफा क्या है आज इसी लाइव सेशन में बारीकी से आपको समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे आखिर 7 लाख युवाओं को इससे फायदा होगा। जैसा कि आपको पता है कि अब से कुछ देर बाद यानी कि 4 बजे से प्रोजेक्ट मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। इस कैबिनेट की बैठक में करीब 1 दर्जन अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है और उसके बाद मोहर लगनी है। लेकिन जो एक अहम प्रस्ताव है जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे इस लाइव सेशन में, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हैं, दरअसल वो काफ़ी अहम है। जैसा कि आपको पता है कि द फॉलोअप युवा और बेरोजगार ई का जो मुद्दा है वो हमेशा प्रमुखता से उठाते रहा है और आज युवा और बेरोजगारी दोनों से जुड़ा हुआ एक अहम प्रस्ताव झारखंड कैबिनेट में आना है और उस पर अहम मोहर भी आज लगनी है। दरअसल पिछले कई दिनों से जैसा कि मीडिया में सुर्खियां बनी थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर सरकार बनने से पहले जिस तरह से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती रही थी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, दरअसल आज झारखंड कैबिनेट में इसी प्रस्ताव पर मोहर लगनी है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के नाम से एक प्रस्ताव कैबिनेट विभाग तक पहुंच चुका है और आज कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आएगा और सारे मंत्रियों की सहमति के बाद इसे पास कर दिया जाएगा, अगर सहमति बनी तो। हम तक जो जानकारी है उसके अनुसार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के तहत 5,000 रुपये सालाना सरकार सभी युवाओं को देगी, वैसे युवा जो बेरोजगार हैं। वैसे युवाओं को सरकार 1.5 गुना पैसा देगी, यानी कि 5,000 और उसके बाद 50% और जो या तो डिजेबल हैं या फिर महिला हैं तो वो अगर वीडो हैं तो उन्हें करीब 7,500 रुपये दिए जाएंगे। इसी मसले पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि झारखंड में जो करीब 43 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं जहाँ पे युवा जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं कि वो बेरोजगार हैं, वो कितने हैं और कहाँ पर सबसे अधिक है, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ विवेक हैं जी। विवेक, सबसे पहले तो ये जानकारी दे दीजिए कि झारखंड में फिलहाल जो है बेरोजगारी दर वो कितना है और देश में कितना है? देखिए, बेरोजगारी दर जो झारखंड में, एक तो अपने स्टेट के पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जो बेरोजगारी दर को नापता हो मापता हो, लेकिन जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी है CMIE, उसके तहत अगर हम देखें तो मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा नज़दीक आए ताकि आपको हम डिटेलिंग में दिखा सकें किस तरह का ये डाटा हमारे पास है। देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक टैब हमने खोल कर रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, इसमें हम साफ साफ देख रहे हैं कि CMIE का यहाँ पर टैग लगा हुआ है। इसके हिसाब से आप जब इस सेगमेंट में देखेंगे तो झारखंड का कॉलम है 12.1 यानी कि 12.1, ये बेरोजगारी दर है झारखंड का और यह 11 मार्च को अपडेटेड है। आज हम 12 मार्च की तिथि को बैठे हैं, यानी कि ठीक एक दिन पुराना डाटा जो है हमारे सामने है और जो यहाँ पर फ्लैश हो रहा है ये इंडिया का है। आप देख रहे हैं 6.5, ये इंडिया का बेरोजगारी दर है, यानी कि इंडिया में 6.5% लोग बेरोजगार हैं, वहीं झारखंड में 12.1 है, यानी कि लगभग दुगना। तो बिल्कुल, देखिए जैसा कि विवेक ने बताया कि झारखंड में जो बेरोजगारी दर है वह राष्ट्रीय औसत से दुगुना है, यानी कि राष्ट्रीय औसत जो है बेरोजगारी का वो 6.5 है, तो आज के डेट में झारखंड में बेरोजगारी दर 12.1 है जी। अब हम बात करेंगे कि आखिर झारखंड में कितने बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, तो ये सूचना विवेक ही आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि झारखंड में 24 जिला में कुल 43 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं जहाँ पर बेरोजगार जाकर रजिस्टर्ड कराए हैं, और जब से लॉकडाउन लगा देश में और उसके बाद रजिस्टर करवाने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई और फिलहाल झारखंड में करीब 8,78,143 छात्रों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर रजिस्टर कराया है। एम्प्लॉयमेंट में एक्सचेंज में जाकर रजिस्टर करा देने से ही नहीं होता है, बल्कि उसकी वैलिडिटी जो है वो 3 साल रहती है और उसे रेन्यूअल भी कराना पड़ता है। तो 3 साल बाद जो रेन्यूअल कराए हैं उसमें जो अभी तक बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं सरकार के
कहा जा सकता है कि खाते में फाइल में वो 7,47,349। तो विवेक, अगर सरकार जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना जो आज कैबिनेट में मुहर लगनी है, जैसा कि द फॉलो अप को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, तो क्या माना जाए कि 7,47,349 युवाओं को फायदा होगा इससे? निश्चित तौर पर जो 8 लाख कुछ की संख्या है, 8,78,168 ये टोटल बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं इस वेबसाइट पर, जिसमें लाइव नोटिफिकेशन में यानी जिन्होंने अपना रिन्यूअल कराया है पिछले 3 सालों में, उनकी संख्या 7,47,374 है। ये वो संख्या जो सरकार भी मानती है कि हमारे पास बेरोजगार लोग हैं। तो निश्चित तौर पर जब बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाना है तो सरकार के पास जो आंकड़ा है वो यही आंकड़ा है, 7,00,000 7.5 लाख के आसपास की जो संख्या है वही आंकड़ा सरकार के पास है। तो यह बिल्कुल माना जाना चाहिए कि अगर बेरोजगारों के लिए सरकार आज कुछ प्रस्ताव पर मुहर लगने हैं तो उसका संबंध इन्हीं 7,00,000 7.5 लाख लोगों से है जो डाटा हमारे पास वेबसाइट पर मौजूद है। तो बिल्कुल, देखिए हम अपने दर्शकों को ये भी सूचना दे दें कि पिछले दिनों जब श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से हमारी बात हुई थी इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि वो फाइल साइन करके मुख्यमंत्री के पास भेज दिए हैं, और आज जो हम तक सूचना है वह कैबिनेट विभाग तक फाइल पहुंच चुकी है और आज कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगना है। आपको याद होगा कि 1 साल पूरे होने के बाद, यानी कि कोरोना का संक्रमण जब धीरे धीरे देश में कम हुआ, राज्य में कम हुआ, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां भी जा रहे हैं वह यह बोल रहे हैं कि 2021 का वर्ष जो है नियुक्ति का वर्ष होगा, लेकिन इस दौरान युवाओं को किस तरह से राहत दी जाए। आपको याद होगा कि जब जेपीएससी का फॉर्म निकला था तो उसकी फीस जो है करीब 600 रुपए रखी गई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटाकर उसे 100 रुपए किया था और कहा था कि हम देश इस राज्य के युवा से और लोगों से जो भी एक एक वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। तो ये भी एक वादा में शामिल था कि सरकार ने कहा था कि वह बेरोजगारी भत्ता देगी। उस वक्त ये नहीं कहा गया था कि महीने में दिए जाएंगे ये बेरोजगारी भत्ता या साल में, लेकिन हम तक जो सूचना है उसके अनुसार आज जो कैबिनेट में अंतिम मोहर लगनी है उसके अनुसार 5,000 रुपये सालाना सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी, जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना। यानी कि 5,000 रुपये में 1 साल के दौरान आप कई फॉर्म भर सकते हैं, यदि परीक्षा देने आने जाने में जो खर्च होते हैं उसमें सदुपयोग कर सकते हैं। कई राज्य पहले से जो है ये बेरोजगारी भत्ता देने वाली स्कीम जो है चला चुकी है, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ये योजना चल चुकी है। तो लेकिन अब सवाल उठता है कि सरकार किसे देगी बेरोजगारी भत्ता? तो सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराए रहेंगे और 3 साल अगर अधिक हो गया है और वो रेन्यूअल नहीं करवाए हैं तो उन्हें नहीं दिया जाएगा नियमतः, क्योंकि सरकार ये मानती है अगर 3 साल बाद आप रेन्यूअल नहीं कराते हैं तो आपको कहीं नौकरी मिल गई होगी। जी, आज जो कैबिनेट की बैठक में विवेक प्रस्ताव जो आने वाला है उसमें ये बात रखी गई है कि जिले स्तर पर एक कमेटी बनाएगी और वो कमेटी मॉनिटरिंग करेगी और वो तय करेगी कि आखिर उनके जिले में कितने बेरोजगार हैं और उस आधार पर नौकरी दी जाएगी। तो इससे क्या लगता है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी और उन युवाओं को सचमुच में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत लोग कहीं नौकरी करते हुए रजिस्टर्ड करा लें? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि सरकार की यह पहल को मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत सराहना करता हूँ कि आपने कम से कम बेरोजगारों के लिए रजिस्ट्रेशन का एक जो पोर्टल खोला है ताकि कम से कम आपके पास एक संख्या हो गई है अब कि भाई इतने लोग बेरोजगार हैं। और जो हमारे पास जिले तो कम है राज्य में, लेकिन जो कि आपने 43 एक्सचेंज बनाए हैं तो उनमें क्या है कि और नंबर जो फ्रिक्वेंसी वो बढ़ गई है, ऐसे में रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो गया है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनके लिए अब निश्चित रूप से सरकार के पास डाटा मौजूद है। अब जो एग्जीक्यूशन का पार्ट जो होगा, इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट होगा वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अब आसानी होगी समझने में। और जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि आपको कोई रोजगार कर रहा हो, कोई काम कर रहा हो, रजिस्ट्रेशन करा ले, तो यह एक मुझे लगता है कि मुमकिन प्रक्रिया नहीं है जिस तरह वेबसाइट मैंने देखा है। मैं चाहूंगा एक बार और कैमरा सामने आए ताकि आपको हम दिखा दें कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा पाए हैं वो कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकें। ये एक महत्वपूर्ण सूचना होगी कि ये rozgar.jharkhand.gov.in का ये आपको यहाँ पे URL दिख रहा है, जिसमें आप जाएंगे या फिर आप नॉर्मली भी क्लिक करेंगे झारखंड रोजगार तो आपको ये वेबसाइट खुल जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का वेबसाइट है। इस पर देखिए ये होम बटन है जिसमें आपको यहाँ पे कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने लाइव कैंडिडेट्स हैं, इनकी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। आगे डैशबोर्ड है जिसमें कि हमको आपको आपको दिखता है कि कितनी किस किस एक्सचेंज में, जो हम 43 एक्सचेंज की बात कर रहे थे वो यही 43 एक्सचेंज है। और अब जो न्यू जॉब सीकर का कॉलम है, ये कॉलम आपके लिए, अगर आपने अभी तक एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जब हम इसमें क्लिक करेंगे
तो आपको इसमें अपना नंबर देना पड़ेगा, इसके बाद ओटीपी आएगा और इसके बाद आप फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना जो बाकी प्रक्रिया है वो पूरी कर सकेंगे। तमाम चीज़ आपसे मांगे जाते हैं और सरकार भी अपने स्तर पर वेरीफाई करती है, जिसके बाद ही आप अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये डाटा है इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि मुश्किल है कि कोई रोजगार के तहत हो और वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो बिल्कुल, लेकिन लेकिन इस बात की जरूर तारीफ करनी होगी कि सरकार का मकसद जो है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। हाँ। कि जब सरकार अभी जिस तरह से नियोजन नीति और तमाम तरह की नीतियां फंसी है, तमाम जो पेंडिंग वैकेंसी है वो सरकार नहीं कर पा रही है, तो इस दौरान बेरोजगारों को राहत देने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाने का सोचा है। अभी तो नहीं कहा जा सकता कि वो उठा लिया है, क्योंकि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 2:30 बज रहा है और 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होनी है, यानी कि 5:30 बजे एक बार फिर हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और बताएंगे कि हम जो अभी खबर बता रहे हैं वो असत्य हुआ या नहीं। क्योंकि समाचार की जो दुनिया है, बहुत ऐसी बार होता है कि जो सोर्स होते हैं, हाँ, आता है वो होनी, क्योंकि पिछली बार जब कैबिनेट की बैठक थी तो उसमें भी हम लोगों ने बताया था कि 2 अहम प्रस्ताव आ सकते हैं। एक मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की जो 198 रुपए से बढ़ाकर 227 रुपए की गई थी, और बेरोजगारी भत्ता का भी हम लोगों ने जिक्र किया था, लेकिन पिछले कैबिनेट में नहीं आ पाया था। लेकिन अभी जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार कैबिनेट विभाग तक फाइल पहुंच चुकी है और आज कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगना है। अब चूंकि हम लोग डाटा पर बात कर रहे हैं तो और कुछ अहम डाटा आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि आखिर झारखंड में कितने बेरोजगार हैं, सबसे अधिक कहां बेरोजगार हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा सा कि जब हम बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो लॉकडाउन के दौरान जो स्थितियाँ थी, क्योंकि इस पर बात नहीं होती, निश्चित तौर पर सुधार देखने को मिला है। अप्रैल 2020 यानी कि 20 से ठीक एक साल पहले, ये वो समय था सनी जब इस झारखंड में, इस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर थी और वह आंकड़ा 47.5 कुछ था। लगभग 47% लोग बेरोजगार थे इस राज्य में, झारखंड में। हाँ, ये वही जो सेंटर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी जो है उस वेबसाइट के अनुसार, उसी के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी दर झारखंड में ही था और वो 47 कुछ था, यानी कि 47 कुछ था। ये संख्या सिर्फ झारखंड में थी ठीक एक साल पहले अप्रैल 2020 में, और अब ये घटकर अभी जब हम बैठे हैं बात कर रहे हैं मार्च 2021 की बात है एक साल में, तो हम 12.5 के आसपास की, जो भी हमने डाटा भी आपको दिखाया उसकी बात करें, तो एक निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। इसकी वजह क्या है नहीं कह सकते हैं कि वाकई एम्प्लॉयमेंट मिला है या शायद उस वक्त चूंकि बहुत लोग नौकरी छोड़कर आए थे, आखिर वो लोग वापस चले गए काम करने के लिए, तो ये तमाम प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन ये एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है अभी से एक साल पहले और आज के डेट में कि हम जहाँ 47 कुछ से लेकर 12% के आसपास पहुंच गए हैं। तो ये मुझे लगता है एक चीज है जो सरकार के लिए और आम लोगों के लिए बहुत राहत की खबर है, और अब यहाँ से सिर्फ 12% लोग हैं जिनके लिए सरकार को काम करने की जरूरत है, जो कि डाटा हमने आपको बताया। तो बिल्कुल, जैसा कि विवेक डाटा इसे पहले भी बताया थे कि करीब 7,47,354 युवाओं ने झारखंड के, वो इस झारखंड रोजगार जो झारखंड सरकार के श्रम नियोजन विभाग का जो वेबसाइट है उसमें रजिस्टर कराया है और रेन्यूअल भी कराया है, जो हर 3 साल पर कराना पड़ता है। दूसरा जो अहम डाटा है, सरकार के पास फिलहाल जो नौकरी देने वाली एजेंसियां हैं वो 1,796 रजिस्टर्ड है, यानी कि जो आपके जिले में या फिर आसपास रोजगार मेला लगता होगा वो इसी इन्हीं रजिस्टर्ड कंपनियों के तरफ से लगता है और फिर उसमें रोजगार दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा विवेक की श्रम नियोजन विभाग में एक MOU हुआ था, जो यहाँ की कुछ लड़कियाँ जो है सिलाई कटाई का काम करती थी तो उन्हें ले जाया गया है टेक्सटाइल की कंपनी में। इसके अलावे महत्वपूर्ण डाटा ये है कि सरकार का जो वेबसाइट है उसमें सरकार ने बताया है कि करीब 45,528 लोगों को नौकरी जो है दी गई है। ये कब तक का डाटा है, ये डेट नहीं मेंशन है, लेकिन ये ओवरऑल डाटा एक दिया गया है। झारखंड में जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की संख्या 43 है। दूसरा सबसे अधिक जो बेरोजगार है, जो ये पोर्टल है इस रजिस्टर्ड पोर्टल के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगार डाल्टनगंज जिला के अनुसार देखा जाए तो डाल्टनगंज जिला में है करीब 36,559 बेरोजगारों ने डाल्टनगंज के एम्प्लॉयमेंट में एक्सचेंज में जाकर रजिस्टर्ड कराया है। अगर सिर्फ मेल देखा जाए, यानी कि पुरुष बेरोजगार जो है सबसे अधिक बोकारो स्टील सिटी में है और करीब 36,931 पुरुष
सिर्फ बोकारो स्टील सिटी में रजिस्टर्ड कराए हैं। जिलों की बात नहीं कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये डाल्टनगंज का। हाँ, मतलब सभी जितने भी हैं, ये जिलावार नहीं है। अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो जिले में जो है, हाँ, जिला मुख्यालय में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके अनुसार, उस जिले क्योंकि 24 जिला है और 43 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हाँ, तो मैं बता रहा था कि रांची में जो है सबसे अधिक जो बेरोजगार है वो पुरुष से अधिक महिला है, जो रजिस्टर्ड है उसके अनुसार वो करीब 23,731 महिला जो है रांची में रजिस्टर्ड है जो बेरोजगार है। जी। अगर मेल में सबसे कम जो है रांची में, यानी कि पुरुष रांची के सबसे कम बेरोजगार हैं। अगर अलग अलग जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जैसा कि विवेक ने बताया कि मुख्यालय के अनुसार देखा जाए तो डाल्टनगंज में 36,559 युवा बेरोजगार हैं, देवघर में 34,794 युवा बेरोजगार हैं, गढ़वा में 30,740 युवा बेरोजगार हैं, गिरिडीह में 35,399 युवा बेरोजगार हैं, धनबाद में 25,230 युवा बेरोजगार हैं, जमशेदपुर में 29,084 युवा बेरोजगार हैं, रांची में 32,655 युवा बेरोजगार हैं, हजारीबाग में 19,907 युवा बेरोजगार हैं। ये जो तमाम डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं, ये हमारे या फिर किसी और के डाटा नहीं, बल्कि झारखंड सरकार के श्रम विभाग के डाटा हैं, जो उनकी वेबसाइट पर युवाओं ने आकर रजिस्टर्ड कराया है, वो ओपन टू ऑल है, कोई भी आके आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी। इससे पहले जो हम लोग बेरोजगारी दर पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से राष्ट्रीय औसत से झारखंड में जो बेरोजगारी दर है वो दुगुना है, जैसा कि विवेक ने बताया कि झारखंड में करीब 12.1% बेरोजगारी दर है और राष्ट्रीय औसत के हिसाब से देखा जाए तो 6.5% है। अगर सबसे कम बेरोजगार देश के हिसाब से देखा जाए, जैसा कि इससे पहले हम लोग झारखंड पर काफ़ी चर्चा कर लिए, तो आसाम में सिर्फ 1.6% युवा जो है बेरोजगार हैं। सबसे अधिक बेरोजगारी जो है देश में हरियाणा स्टेट में है और वहाँ पर करीब 26.4% युवा बेरोजगार हैं, जो रजिस्टर्ड हैं उसके अनुसार ही वे निकाला हो गया होगा। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ और बिहार जो हम लोग का पड़ोसी राज्य है उसकी बात करें तो बिहार में 11.5% बेरोजगारी दर है, छत्तीसगढ़ में 6.2%, दिल्ली में 8%। तो ये तमाम डाटा हैं जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो वेबसाइट है उस पर जारी किए जाते हैं और हर दिन करीब करीब इसे अपडेट किया जाता है। तो विवेक, हम लोग झारखंड और देश दोनों स्तर पर बेरोजगारी की क्या स्थिति है इस पर चर्चा कर लिए, लेकिन आज जिस तरह से हम लोगों ने इस लाइव सेशन की शुरुआत में बताया था कि झारखंड के करीब 7 लाख युवा बेरोजगारों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ा तोहफा देने वाले हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि ये भी एक सरकार की इमेज जो हाल के दिनों में सड़क से लेकर सोशल मीडिया से लेकर विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर रोजगार और युवा को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसका असर है? देखिए, मैं बहुत शुरुआत से सनी ये कहता आया हूँ कि सरकार को ये बात पता है कि हम रोजगार के मुद्दे को एक प्रमुखता से उठाने के बाद आए हैं। निश्चित रूप से सिर्फ रोजगार ही एक मुद्दा नहीं रही है, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा रही है हेमंत सरकार के कायम होने पर। तो सरकार को इस बात का आभास है और सरकार के जो भी करीबी हैं, जो भी उनके जो आसपास लोग हैं, वो सबको ही समझते हैं, खुद मुख्यमंत्री भी समझते हैं कि रोजगार के मुद्दे को हल किए बिना वो अपनी सरकार की कामयाबी को नहीं हासिल कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पर ये प्रयास तो लगातार हो रहा था, लेकिन कई कारणों से नियोजन नीति रद्द करनी पड़ी या कई कारणों से ये हो नहीं पाया था अभी तक। लेकिन नहीं करना चाहती है, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं कि नहीं करना चाहती, वो करना चाहती है, वो मौका बस ढूंढ रहे थे। और अब जब एक साल वो पूरा हो गया, शुरुआत की बात हो गई कि अब हम काम करेंगे, जेपीएससी की वैकेंसी आनी शुरू हुई, नियोजन नीति, नई नियोजन नीति की बात होने लगी और हम कहें कि अब हम इम्प्लॉयमेंट देना शुरू करेंगे, मुझे लगता है कि अब वो शुरुआत शायद हेमंत सरकार चाह रही है कि आज के कैबिनेट की बैठक के बाद एक बड़ा पिटारा खुले। कुछ 2-4 नौकरी हमने पहले भी देखी, कुछ मेडिकल सेक्टर में नौकरी दी गई है और एक जेपीएससी की वैकेंसी आई है, लेकिन कोई बहुत बड़ा जिसमें हजारों लाखों युवाओं की बात हो वैसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है 29 दिसंबर के बाद से लेकर अब तक। ये मुझे लगता है कि पहली बार आज जब हम कैबिनेट की बैठक की बात कर रहे हैं तो शायद फिर ये कुछ और भी चीज़ें यहाँ से खुलने शुरू हो, एक तो जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और इसके बाद शायद कुछ और कदम आगे बढ़े, जो एक जिस तरफ उम्मीद लोग कर रहे थे वो शायद पूरा होने लगे मुझे लगता है। तो बिल्कुल, देखिए, एक तो सबसे अहम प्रस्ताव जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि युवा बेरोजगार, जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उन्हें सरकार किस तरह से कुछ सहायता राशि दे
और इसलिए इसका नाम भी रखा गया है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना, यानी युवाओं को प्रोत्साहित करेगी। एक और जो हम तक सूचना पहुंची है सूत्रों के हवाले से, वह यह कि सरकार जो प्राइवेट कंपनी में 30,000 रुपये तक के सैलरी में काम करते हैं उसमें 75% रिजर्वेशन कर सकती है। अगर इस जो प्रस्ताव जो चर्चा है कि आज कैबिनेट में ये आएगी और इस पर भी मोहर लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्थानीय को लेकर, स्थानीयता के मुद्दे को लेकर सरकार में शामिल तमाम लोग हैं प्रमुखता से रखते हैं, तो इसका फायदा झारखंड के युवाओं को कितना मिलेगा? देखिए, स्थानीयता का मुद्दा शुरुआत से उठता आ रहा है और जब भी, क्योंकि लगातार बात होती है कि जो आसपास के राज्य हैं या कई राज्य हैं देश में जिन्होंने स्थानीयता के आधार पर नौकरियों का जो है वो तय किया है कि भाई स्थानीयता के अनुसार से उनको नौकरियां मिलेंगी, झारखंड में वो चीज़ अभी तक नहीं हो पाया है और जिस भी सरकार ने इस पर प्रयास किया है वो दांव उल्टा ही पड़ा है जो भी कहा जाए। तो ये अभी तक तय नहीं हो पाया है स्थानीयता किस आधार पर तय होगी, यही तय नहीं हो पाया, तो मुझे इसमें लगता है कि एक समय लगने मिलेगा। लेकिन अगर ये होता है तो निश्चित रूप से जो झारखंड के युवा हैं उनको ऑफकोर्स फायदा मिलेगा क्योंकि उन्हीं के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये कब हो पाएगा इस पे मुझे संशय है क्योंकि अभी तक सरकार, लेकिन उससे पहले तो सरकार को परिभाषित करना पड़ेगा कि झारखंड के युवा हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से युवाओं को फायदा मिलेगा यहाँ के, लेकिन सरकार इसका पैमाना क्या होगा कि आप स्थानीय हैं और आप बाहरी हैं, इसका पैमाना क्या होगा? कहीं 32, कभी 71, कभी 65, ये चीज में फंस रही है। और सरकार और जिस भी सरकार ने तय करने का प्रयास किया, पिछली सरकारों ने भी, तब भी दाम उल्टा ही पड़ा है। तो सरकार सबसे पहले ये तय करे कि स्थानीयता का पैमाना क्या होगा, कौन सा पैरामीटर आपको स्थानीय और कौन सा आपको बाहरी बताएगा। ये तय होने के बाद ही आप इसके फायदे की तरफ बात कर सकते हैं और यही तय करना मुझे सबसे बड़ा पेंच हो। उसके बाद तो चीजें आसान है, लेकिन यही तय हो जाए उसके बाद फायदा या नुकसान की बात हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल, देखिए, स्थानीयता का मुद्दा लगातार उठते रहा है और जो नियोजन नीति सरकार ने रद्द की है यही कहकर रद्द किया गया है। हालांकि जो रघुवर सरकार में जो नियोजन नीति बनी थी उस नीति में ये साफ था कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड में सिर्फ स्थानीय को नौकरी मिलेगी 13, 11, हालांकि बाद में सभी कर दिया गया था। तो अब चूंकि ये है कि स्थानीयता का परिभाषा क्या होगा, अब सरकार के सामने ये चुनौती है कि वो कैसे इसे प्रभाषित करती है और कैसे इसे लागू करती है। और उसके बाद नई जो नियोजन नीति बनाने की मांग विपक्ष लगातार विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसमें भी लगातार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी राहत और सबसे बड़ी खबर जो हम इस वक्त लाइव जुड़कर आप तक पहुंचाने के लिए आए थे वह यही है कि झारखंड सरकार युवाओं को आज एक बड़ा तोहफा देने वाली है। और वह तोहफा क्या है वो हम इस लाइव में बता चुके हैं। एक बार फिर जब कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लग जाएगी तो हम लोग लाइव जुड़ेंगे और इस मसले पर आगे भी बात करेंगे। जी, फिलहाल शुक्रिया, नमस्कार।